नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक पावर बैंक बनाने वाले हैं और इस पावर बैंक से आप इमरजेंसी लाइट भी जला सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए देख सकते हैं हमारे पास एक एलईडी बल्ब है जो पूरी तरीके से ख़राब है, यहाँ पर इस तरीके से। और इस एलईडी बल्ब में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसमें कौन सा एलईडी लगाना है सभी कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पावर बैंक बनाने के लिए तो देख सकते हैं हमारे पास एक पावर बैंक की बैटरी है, ये ख़राब पावर बैंक से निकाला हुआ बैटरी है। इस बैटरी को आपको इस प्रकार के जो बॉक्स होते हैं उस बॉक्स में आपको यहाँ पर फिट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बैटरी है ये बहुत ही आसानी से इस बॉक्स में फिट हो जाती है इस तरीके से। अब इसमें कैसे कनेक्शन करना है यहाँ पर देख सकते हैं, इस बॉक्स को हमने कट कर लिया है और यहाँ पे स्विच लगाने के लिए हमने होल कर लिया है सोल्डरिंग आयरन की मदद से ही। ये इस प्रकार के होल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ ये जो स्विच है ये पूरी तरीके से यहाँ फिट हो चुकी है। उसके बाद इस पावर बैंक को कनेक्शन कैसे करना है, तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इस पावर बैंक मॉड्यूल में देख सकते हैं दो पॉइंट्स बने होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव का पॉइंट है और ये हमारा नेगेटिव का पॉइंट है। और इस पावर बैंक जो मॉड्यूल है, इस पावर बैंक मॉड्यूल को आपको बार बार ऑन नहीं करना पड़ेगा। जब आप डाटा केबल की वायर को कनेक्ट करेंगे तो ये पावर बैंक की जो मॉड्यूल है ये हमारे अपने आप ऑन हो जाएगी और मोबाइल चार्ज होने लगेगी। उसके बाद यहाँ जो हमने स्विच लगाया है, इस स्विच से इमरजेंसी लाइट को ऑन ऑफ करेंगे। तो चलिए कनेक्शन इसको कर लेते हैं। कनेक्शन यहाँ आपको सही से करना है, देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है दोनों टर्मिनल पर। आपको यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की लेग को सही कनेक्शन करना है। अगर यहाँ पे उल्टा कनेक्शन करते हैं तो ये पावर बैंक जो मॉड्यूल है ये हमारा ख़राब हो सकता है। यहाँ पे उल्टा कनेक्शन बिल्कुल भी ना करें, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ में कनेक्ट करें। तो देख सकते हैं हमने पॉजिटिव को वायर कनेक्ट कर लिया है, अब नेगेटिव की वायर को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग करना है, लूज कनेक्शन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहने देना है। तो देख सकते हैं हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। चलिए अब इस बॉक्स के अंदर में फिट कर लेते हैं। तो बॉक्स में फिट करने से पहले यहाँ पे हमने होल बना लिया है, यहाँ डाटा केबल की कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमने होल बना लिया है। इस बैटरी की चार्जर की जो कनेक्टर होती है वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस होल से। उसके बाद बहुत ही आसानी से ये फिट हो जाती है। तो इस पावर बैंक मॉड्यूल को यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो चुके हैं और यहाँ पे डाटा केबल कनेक्टर के लिए ये परफेक्ट यहाँ पे साइज हुआ है। और इस यहाँ पे देख सकते हैं चार्जर के लिए हमने यहाँ पे होल बनाया था, वो भी यहाँ इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे ग्लूगन या फेविक्विक की मदद से इस बोर्ड को चिपका लेंगे। अब इस एलईडी लाइट के लिए कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का ख़राब बल्ब जो होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे हम कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं हमने 5 mm की वाइट कलर की एलईडी 3 पीस लिया है। उसके बाद एक यहाँ पे 8 mm की एलईडी 1 पीस लिया है। आप चाहे तो 8 mm की एलईडी 4 पीस ले सकते हैं, चाहे 2 पीस ले सकते हैं। ये 3 वोल्ट से बहुत ही आसानी से ऑपरेट हो जाती है, ख़राब नहीं होती है। इसको फिट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पे हमने पेपर का टुकड़ा कट कर लिया है, इसी पेपर के टुकड़े में इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे चारों तरफ इस तरीके से। तो
तो चलिए सभी एलईडी को यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने चारों एलईडी को इस तरीके से फिट कर लिया है। अब इसकी यहाँ पे देखेंगे तो जो एलईडी की बड़ी लेग होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, और छोटी लेग जो होती है वो हमारी एलईडी की नेगेटिव वायर होती है। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करना है सभी एलईडी को एक साथ में, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ में, सभी एलईडी की पॉजिटिव एक साथ में और सभी एलईडी की नेगेटिव एक साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिट करके इसमें अच्छे से कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन यहाँ पर एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जो एक एलईडी की पॉजिटिव है और दूसरी एलईडी की पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव को एक साथ में कनेक्ट कर दिया है और दोनों नेगेटिव को एक साथ में कनेक्ट कर दिया है। उसी प्रकार से इस एलईडी के पॉजिटिव और इस एलईडी के पॉजिटिव दोनों एक साथ कनेक्ट कर दिया है और दोनों एलईडी की जो माइनस लेग है उसको एक साथ में कनेक्ट कर दिया है। कुछ इस तरीके से प्लस माइनस आपको देख करके कनेक्शन कर लेना है। सभी एलईडी की पॉजिटिव लेग को एक साथ में और सभी नेगेटिव लेग को एक साथ में कनेक्शन कर देना है। तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। अब ये बहुत ही आसानी से 3 वोल्ट 4 वोल्ट से बहुत ही अच्छे ब्राइटनेस के साथ में ये ग्लो करेगा। अब इस एलईडी को इस एलईडी बॉक्स में अच्छे से फिक्स कर लेंगे और इसकी जो वायर है वो अंदर की ओर इस तरीके से बहुत ही आसानी से यहाँ फिट हो जाएगी। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो गए। अब इसका डिफ्यूज़र को भी बंद कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा 4 वोल्ट से चलने वाली एलईडी बन के तैयार हो चुकी है और इसकी ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी होने वाली है। एक यहाँ पे सोल्डिंग आयरन की मदद से होल करना पड़ेगा, चूँकि इस जो एलईडी बल्ब है इस एलईडी बल्ब को कुछ इस तरीके से फिट करने के लिए ये जो इसके अंदर की वायर है ये वायर अंदर की ओर ले जाने के लिए यहाँ होल करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने एलईडी बल्ब को अच्छे से चिपका लिया है। अब इसमें कनेक्शन करते हैं। तो एलईडी में जो दो वायर यहाँ पे बाहर हुए हैं, ये रेड कलर की वायर और ये ब्लैक कलर की वायर, ये हमारी पॉजिटिव है और ये हमारी नेगेटिव है। तो एलईडी की पॉजिटिव को डायरेक्ट बैटरी की पॉजिटिव में कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो चलिए बैटरी की पॉजिटिव में एलईडी की पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब एक वायर का टुकड़ा और लेना है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से एक वायर हमने कनेक्ट कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर जो दो वायर बच जाते हैं, देख सकते हैं एलईडी की नेगेटिव और बैटरी से एक वायर हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल से। इन दोनों वायर को अब स्विच में डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो दोनों वायर को टच करते ही हमारे जो यहाँ पे एलईडी है वो हमारी ग्लो करने लगे। तो इन दोनों वायर को स्विच के दोनों टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो लगभग ये जो वायरिंग है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही इजी कनेक्शन है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया। अब ये हमारा जो पावर बैंक है वो हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है इमरजेंसी लाइट के साथ में। देख सकते हैं इस स्विच से ऑन ऑफ हम इस एलईडी को कर सकते हैं और इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी जो बैटरी की बैकअप होगी वो कम से कम 4 से 5 घंटे तक कंटिन्यू जलेगी। अब चलिए इसमें मोबाइल को चार्ज करके चेक करते हैं। चार्जर को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट पे। तो देख सकते हैं ये जो इमरजेंसी लाइट है और साथ में पावर बैंक ये हमारी चार्ज होने लगी है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ चार्जिंग होने टाइम यहाँ पे लाइट जल ग्लो होती है इस बोर्ड में, देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रीन कलर की एक यहाँ पे एलईडी लगी हुई है। ये एलईडी हमारी ग्लो हो रही है, इससे चार्जिंग का पता चलता है कि अभी ये चार्ज हो रहा है। अब पावर बैंक से मोबाइल को चार्ज करते हैं।
इस पावर बैंक से आप कम से कम 3-4 बार अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हमने डाटा केबल को यहाँ पे लगा लिया है, अब मोबाइल में लगाते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो देख सकते हैं ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल हमारा बिल्कुल चार्जिंग कनेक्ट हो चुका है और ये चार्ज भी हो रहा है। यहाँ पे रेड LED इस मोबाइल में देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने ख़राब तो इस तरीके से ख़राब पावर बैंक की जो बैटरी होती है, उस पावर बैंक की बैटरी से आप बहुत ही अच्छे तरीके से इमरजेंसी लाइट और साथ में पावर बैंक बना सकते हैं इस तरीके से बॉक्स में फिट करके। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।